शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये तुम्हारी मासी जी हमारे बाल छोटे करवाने चाहती है। तो करवा लो। पर हमें नहीं करवाने ना बाल छोटे। तो मत करवाओ। तुम सुन भी रहे हो हम क्या कह रहे हैं? देखो आशी, लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है करो। बाल कटवाने हैं कटवाओ, नहीं कटवाने तो मत कटवाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम बात करो मासी जी से। क्या मैं ये सब करने बैठा हूँ क्या यहाँ? मासी जी को मैं जाके बोलूँ कि मासी जी मेरी वाइफ ने कभी छोटे बाल नहीं रखे तो उसे हेयर कट नहीं करवाना? सीरियसली मैं ये सब करूँगा? तुम सीधी से बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते हो? तुम सीधी बात करती हो क्या? बस बाल की खाल निकालने में लगी हो। आशी, लाइफ तुम्हारी है, बाल तुम्हारे, चॉइस तुम्हारी है। प्लीज मुझे बहुत काम है, मुझे काम करने दो। हमें भी बहुत काम है, वेंडर से मिलने जा रहे हैं हम। आशी 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 सुन 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 तुझे ढूंढ रही थी मैं। अच्छा ये देख, वीरी को जब पता चला ना कि तू हेयर कट कराने वाली है, ये देखो उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस भेज रखे उन्होंने, वो तो बहुत खुश हो गई। और उन्होंने हम श्योर नहीं है हेयर कट को लेके, हमें नहीं करवाना। तूने कभी देखा है हमको ऐसे छोटे वालों के साथ? तुझे हेयर कट नहीं कराना? आशी आशी रेडी चले। मासी जी वो हम एक्चुअली मासी एक सेकंड मैं आपको पिक भेज रही हूं। आशी प्लीज टर्न होना। मतलब? मुझे पिक्चर लेनी है। हाँ मैंने आपको पिक्चर शेयर कर दिया है। मेरी सारी मॉडल्स का बालों की लेंथ यही होनी चाहिए, बस थोड़ा सा स्टाइलिश लुक दे देना। ओके थैंक्स आशी। कियारा तुम सब मॉडल्स को लॉन्ग हेयर दे रही हो? हाँ आंटी, आपको नहीं पता आजकल लॉन्ग हेयर का फैशन है, बहुत ट्रेंडी है। सीरियसली? मैं तो इनफैक्ट आज से ही अपनी हेयर को ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज मैंने सुना है कि उससे हेयर ग्रोथ जल्दी होती है ना आशी? हाँ मासी जी, हम और निधि भी डेली रात में ऑयलिंग करते हैं कि, है ना निधि? देखो मेरे बाल वाले। सीरियसली आई मीन लॉन्ग हेयर का फैशन है? ठीक है तो तुम्हारा हेयर कट कैंसिल, आई मीन इट्स ओके। पक्का ना? ऑफ कोर्स। चलो मैं जा रही हूँ पार्लर क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे मेरे बाल करवाने। चले आशी की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना। वैसे कियारा इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी है, तुम्हारी हेल्प कर देना। कियारा थैंक यू, तुमने आज हमारे बालों को बचा लिया। इट्स ओके आशी, मैं समझती हूँ कि सबकी अपनी चॉइस होती है और अपना कंफर्ट होता है। वैसे भी नीलिमा आंटी और सिड के साथ मैं बचपन से रही हूँ, उन्हें कन्विंस करना और उनको कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। आई मस्ट से मेरे से ज्यादा उन्हें कोई नहीं जानता है। तो ठीक है ना? हाँ हमें क्या हुआ? नहीं वो चेहरा कुछ और ही बता रहा है। क्या? थोड़ी सी जलन दिखाई दे रही है हमें। पागल है क्या, हम क्यों जल रहे हैं? चल ठीक है, हमें जाना है वेंडर के पास। कुछ भी बात करती जल तो रही है। वेंडर से मीटिंग में भी लेट हो गया, ऊपर से एक भी ऑटो नहीं मिल रहा, बहुत लेट हो जाएंगे घर के लिए। राम जी कोई ऑटो तो भेज दो। ऑटो अबे साले, ऐसे ऑटो चलाता है, नजर नहीं आता तुझे? एक रपटा मारूंगा ना तेरी सारी की सारी बत्ती सी बाहर हो जाएगी, चल निकल। जोशी मॉल वाले, पर इस हालत में और ऐसी बात करते हुए सिर को बताए क्या? फाइल सिर, तुम नॉक करके नहीं आ सकते हो रूम में? एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है और एक ही चीज कितनी बार भी टेलीकास्ट पे बोलूं, अपने रूम में नॉक करके कौन आता है? तुम हो
रहोगी हो तो तुम जाओगे यहाँ से? क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ? क्या बदतमीजी है ये? सिर छोड़ो हमको। एक बात बोलूं, तुम मिरर के सामने खड़ी थी और मिरर के सामने बैक करके खड़े होने से सब दिखाई देता है। हाँ मिस्टर जोशी, मैं आपको ही कॉल कर रहा था। हाँ, पापा ने आपकी कोर्ट अप्रूव कर दी है तो मैं आपको जल्दी ही फंड्स ट्रांसफर कर देता हूँ। जी जी, या ओके डन। सिट, सुनो ना। क्या? हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मिस्टर जोशी जिनसे तुम अभी बात कर रहे थे, हमने उन्हें देखा था। वो तिलक मार्ग पे किसी ऑटो से उतरे और उतरते से पता नहीं बहुत ही अजीब सा बिहेवियर था उनका। और ऐसे ऑटो से कौन आता है? सो व्हाट, बहुत सारे ऐसे करोड़पति लोग हैं जो अपनी एसी कार छोड़ के टैक्सी और बस में ट्रेवल करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये है कि वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे ऑटो वाले के साथ। आई मीन, छोटे से पैसों के लिए इतना लड़ाई झगड़ा करना। देखो, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, हमें नहीं लगता कि मिस्टर जोशी सही इंसान है। बाकी तुम देख लो। क्या? हाँ मासी, आई थिंक आपको इस डील के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। आशी की गट फीलिंग बहुत सही होती है, इसका दिल जो कहता है वो सच होता है। तो फिर एक बार मिस्टर जोशी के बारे में हमें थोड़ा और पता लगा लेना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो इन्वेस्ट करने से पहले मिस्टर जोशी का ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने मॉल और मिस्टर जोशी की पूरी इंक्वायरी निकाल रखी है। आई फील दिस इज द बेस्ट चांस और हमें ये मिस नहीं करना चाहिए। अगर ये डील हमारे हाथों से निकल गई तो आई थिंक यू आर राइट कियारा, आशी की गट फीलिंग स्ट्रांग होती है लेकिन बिजनेस के मामले में तुम्हारी गट फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। मां से हमें ये डील कर लेनी चाहिए। मैं मिस्टर जोशी को अभी एडवांस ट्रांसफर कर देता हूँ। कितना ट्रांसफर कर रहे हो? 10 करोड़ मासी। डन। दिल बहुत बेचैन हो रहा है और अब तो जानते हैं ना, हमारे दिल से कभी भी कोई बात निकलती है वो गलत नहीं होती है। ये सिड ने ना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए मिस्टर जोशी के पास और हमारा दिल कहता है कि ये सही नहीं है, कुछ ना कुछ गलत है।